हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर जेडी मेमोरियल एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में हम आपको एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में बताएंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव का प्रयोग आप जानते हैं कि विशेषता बताने के लिए होता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की और डिग्री का प्रयोग तुलना करने के लिए होता है, किसी व्यक्ति के उसको गुणों की जब तुलना की जाती है, जैसे मोहन इज ग्रेट और उसके बाद मोहन इज ग्रेटर देन सोहन, उसके बाद मोहन इज ग्रेटेस्ट इन ऑल, तो ये सारे जब तुलना करके बताया जाता है तो वहाँ पे तीन प्रकार की डिग्री प्रयोग की जाती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यू नो देयर आर थ्री डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आर एडजेक्टिव डिग्री को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री और दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री जब किसी व्यक्ति के गुणों को सिंपल में ऐसे बताया जाता है, ठीक है, जैसे ही इज ब्रेव, वो बहादुर है, ठीक है, तो वहां पर केवल पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जब दो व्यक्तियों में तुलना होती है, ठीक है, वो तुमसे अधिक बहादुर है, ही इज ब्रेवर देन यू, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों में तुलना के लिए होता है, और जहां पर इसका प्रयोग होता है उसके बाद में देन का प्रयोग कंपलसरी होता है, आवश्यक होता है। लास्ट में है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री अर्थात सर्वोत्तम गुण, यानी जब श्रेष्ठता, सब में श्रेष्ठता प्रकट होती है, देयर आर सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड। जहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक गुण का विशेषता बताया जाता है वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे हेज बोल्डेस्ट, वो सबसे बहादुर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए रूल्स ऑफ चेंजिंग पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए बहुत सारे रूल है, बट आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, और इसके लिए आप लास्ट तक ये वीडियो अवश्य देखिए। पहला रूल है टू मेक कंपैरेटिव एंड एड ईआर। यदि कोई पॉजिटिव डिग्री दी हुई है तो उसमें टू मेक कंपैरेटिव एड ईआर और उसको आपको कंपैरेटिव बनाना है तो उस वर्ड में ईआर जोड़ दीजिए, राइट। और टू मेक सुपरलेटिव और उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए एड ई एस टी, यू नो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर प्लस होता है पॉजिटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी प्लस होता है, एड होता है पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, अब ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है कोल्ड, राइट। आप यहां देख सकते हैं लिखा है सी ओ एल डी कोल्ड, ठीक है, और इसको हमको अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑफ डिग्री है कंपैरिजन एड वी ई आर, हमने कोल्ड में केवल ई आर जोड़ दिया, राइट, ये हो गया आपका कोल्डर जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री, तो इसमें हमने केवल ई एस टी जोड़ा है, क्या जोड़ा है ई एस टी, राइट, तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। दूसरा रोल है यदि आप नोट कीजिए, इफ एनी पॉजिटिव डिग्री एंड्स विथ लेटर ई, वी एड ओनली आर टू कंपैरेटिव एंड एस टी टू सुपरलेटिव। Thank you.
नेक्स्ट देखिए इसमें है, यदि कोई पॉजिटिव डिग्री आपका ऐसा वर्ड हो जिसका लास्ट लेटर ई हो, ठीक है, यदि कोई पॉजिटिव डिग्री जिसका लास्ट लेटर ई है तो उसमें आपको ई एस टी नहीं प्लस करना है, जो कि रूल वी एड ई एस टी एंड ई आर, तो उसमें ई आर और ई एस टी नहीं प्लस करना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए ब्रेव लिखा है, ठीक है, अब ब्रेव ने ऑलरेडी ई लास्ट लेटर में लिखा हुआ है, इसके बाद में अगर आपको कंपेरेटिव बनाना है तो ई आर न जोड़ करके केवल आर जोड़ा जाएगा, ठीक है। ब्रेव में कंपेरेटिव बनाने के लिए ब्रेव में केवल हम आर जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ब्रेव में केवल एसटी जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ई ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट रूल आपका है, इफ एनी पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद वाई लेटर we should put I in place of Y यदि किसी वर्ड में पॉजिटिव डिग्री में उसका अंतिम लेटर यदि Y होता है, ठीक है, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम लेटर Y होता है और उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है, और कंपेरेटिव बनाने के लिए उसमें Y हटा करके EST और ER जोड़ते हैं पॉजिटिव और कंपेरेटिव बनाने के लिए। कंपेरेटिव यदि बनाना है तो Y हटा करके I ER जोड़ देंगे, और यदि सुपरलेटिव बनाना है तो वाई हटा करके ई एस टी जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल देखे, जैसे लिखा है प्रिटी, अब इसमें आप देखते हैं अंतिम लेटर आई है, ठीक है, इसको अगर कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये वाई हट जाएगा, हो जाएगा प्रिटियर, Y को I में I कर दिया, उसके बाद में ER जोड़ा। अगर सुपरलेटिव बनाना है तो इसका हो जाएगा प्रीटीएस्ट, अर्थात यहां भी I हटा, Y को हटा करके I, उसके बाद में EST जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपके ये थ्री रूल्स जो है ये मोस्ट कंपलसरी हैं। उसके बाद में लास्ट होता है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें कोई रूल्स नहीं होता है, उनकी बिल्कुल फॉर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। सम एडजेक्टिव, सम डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सम पॉजिटिव डिग्री हैव नो रूल्स to change them into comparative and superlative, ठीक है। इसमें होता है जैसे much है, much, more, most, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे और सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें कोई रूल्स नहीं होता है, अर्थात वे बिल्कुल वर्ड अलग अलग होते हैं, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है, मेनी, मोर, मोस्ट, और सारे वर्ड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये डिग्री इस प्रकार से चेंज की जाती है, और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री का प्रयोग जो है तुलना करने के लिए होता है, जब
दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ होता है? जब देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और टू प्लेस और टू थिंग्स, ठीक है, जब कभी भी दो व्यक्ति अथवा दो वस्तु अथवा दो स्थानों या किसी भी दो चीजों के बीच में जब तुलना होती है, व्हेन ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स देयर आर कंपैरेटिव डिग्री। एंड जब सुपरविजन का होता है, जब उसमें श्रेष्ठता ज्ञात करनी होती है, ठीक है, वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे दिस पेन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये पेन सबसे सुंदर है, ठीक है, यहां पर कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव। दिस स्टूडेंट्स इन योर क्लास वन ऑफ द बेस्ट, यानी सबसे अच्छा स्टूडेंट्स है, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होगी, ठीक है। तो जब दो व्यक्तियों में तुलना होती कंपैरिजन होता, जब एक व्यक्ति के साधारण गुण को बताया जाता है वहां पर सिंपल डिग्री होती है अर्थात पॉजिटिव डिग्री होती है, और उसी गुण को जब दो लोगों में तुलना करके बताया जाता है, ठीक है, व्हेन दैट एट्रीब्यूट इज कंपैरिजन बिटवीन टू पर्संस देयर इज कंपैरेटिव डिग्री, और जब वो सुपरविजन के लिए उपयोग किया जाता है वो शब्द, वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। दूसरी चीज, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग कंपलसरी होता है, उसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में द का प्रयोग कंपलसरी होता है, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।